राजधानी शिमला में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। कई हिस्सों में पानी चार दिन बाद आ रहा है। वहीं नगर निगम रिज मैदान और माल रोड पर पानी की बर्बादी कर रहा है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए नगर निगम द्वारा रिज मैदान को साफ किया जा रहा है, जहां पानी के टैंकर और मशीनों से पानी डालकर साफ किया जा रहा है, जिस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि एक तरफ शहर में पानी का संकट चल रहा है, दूसरी तरफ नगर निगम पानी की बर्बादी करने में जुटा है। शिमला निवासी नवीन पाल का कहना है कि जाखू में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, जिससे काफी मुश्किल हो रही है। नगर निगम शहर की सड़कों को पानी से धोकर पानी की बर्बादी करने में जुटा है। उन्होंने कहा कि लोगों को सहूलियत देने के बजाय नगर निगम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। एक तरफ शहर में पानी की होने का जल निगम तर्क दे रहा है, वहीं शहर की सड़कों को धोने के लिए हजारों लीटर पानी दिया जा रहा है। के अंदर पानी नहीं आ रहा है, आप पूरा जाखू और शिमला के अंदर जो है 2 दिन बाद पानी की सप्लाई दी जा रही है, वो भी शायद 15 या 20 मिनट के लिए। आज वो भी नहीं आई, कल भी वो नहीं आई थी। घरों के अंदर क्या हालात है आप पता कीजिए कमिश्नर से, कि एवरीडे कितने फ़ोन आ रहे हैं डीसी और कमिश्नर को। इनका बहाना ये है कि गाद आ चुकी है, गाद की वजह से हम पानी नहीं दे पा रहे हैं, है ना। और इनका जो मैनिफेस्टो था MC का, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये दिया था कि हम 24 घंटे पानी देंगे। 24 घंटे में आप 24 मिनट हर रोज़ पानी दे दो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सड़क धोने को पानी है, हैं सड़कें आप धूल धो रहे हैं पानी से, और लोगों के घर में बच्चों के लिए नहाने धोने के लिए, टॉयलेट जाने तक, पीने तक के लिए पानी नहीं। कितनी बेशरम सरकार है ये। तो क्या यानी जितने आप कल विभाग या किसी विभाग से, हम सरकार हर चीज़ को प्राइवेट करती जा रही है, हर चीज़ को क्या नाम प्राइवेट में ठोक रही है, पैसे दबा के ले रहे हैं। आज से 4-5 साल पहले आप पानी के बिल देखिए, जो महीने के 50 रुपये 100 आते थे, आज वही सीधे 1000-2000 के आ रहे हैं। उसके बावजूद भी पानी की आपूर्ति नहीं है पूरी है। कितने हमारा फर्स्ट सीज़न आप देखिए कि इस बार अभी 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से घरों में पानी नहीं है, खास करके शिमला सिटी के अंदर ये हालात बन चुके हैं। और यहाँ पर अभी आप न्यूज़ पे आके देख रहे हैं तो ये सड़कें धोई जा रही है, ये तो गलत बात है ना जी। और रही बात क्या नाम प्राइवेट और इसकी, हम नहीं जानते, हम MC को जानते हैं, हम MC को टैक्स देते हैं, हर चीज़ MC को देते हैं, है ना। और तो इसके बावजूद भी MC हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। आप पता ही नहीं है हमको शिमला में अब रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इतना बेकार सी सिटी हो चुकी है शिमला। पहले शिमला के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने तो हमारे से वादे किए थे सरकार ने जब बनी थी कि हम 24 आवर वाटर देंगे, यही बोल करके शिमला में ये सरकार आई है। उसके बावजूद भी MC भी पूरा इसी वजह से है, और ये जो क्या नाम अपना जयराम जी की सरकार है ये भी इसी वजह से है। आप देखिए पिछली बार भी पानी की दिक्कत, अभी बरसातों में इतना पानी है और थोड़ी सी इनकी गाद आ जाती है तो 5-6 दिन पानी बंद हो जाता है। आप बताइए आम आदमी जाएगा कहाँ, पानी की टंकी में बिल्कुल पानी नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब पे।